hello guys welcome to this new video in which i would be telling you everything related to internet so without wasting any time let's begin with it friends when we talk about the history of internet then we can say that during the time nasa was trying to send people on moon कनेक्शन मेड बिटवीन फोर कंप्यूटर्स चार कंप्यूटर्स के बीच में एक कनेक्शन बनाया गया था जिसका नाम आरपानेट दिया गया था आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ आर्पानेट उसी पर एडवांसमेंट आने के बाद आज का प्रेजेंट इंटरनेट फॉर्म हुआ है तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर इंटरनेट की हिस्ट्री पर बात की जाए तो ये तब करा गया था जब इंसानों को मून पे भेजना था तब चार कंप्यूटर्स को ज्वाइन करा गया था जिनसे एक छोटा नेटवर्क बना था जिसका नाम रखा गया था आरपा नेट और आरपा नेट धीरे धीरे एडवांस होता गया कंप्यूटर्स और ऐड होते गए स्पीड तेज होती गई और उसी से आज हमारा प्रेजेंट इंटरनेट है फ्रेंड्स आफ्टर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट लेट्स नो दैट वॉट इज इंटरनेट इंटरनेट इज सेट टू बी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क

तो ये नेटवर्क कहा जाएगा और अगर ये इन सारे नेटवर्क जि जितने भी नेटवर्क है इन सब का भी कनेक्शन ले लिया जाए तो सारे नेटवर्क्स का नेटवर्क इंटरनेट है यानी नेटवर्क्स जब मिलके नेटवर्क बनाते हैं तब उसे इंटरनेट कहते हैं आफ्टर फ्रेंड्स दैट वो इन ब्रीफ की इंटरनेट क्या है अब पता लगाते हैं कि इंटरनेट किस किस चीजों में काम आता है फ्रेंड इंटरनेट इज हेल्पफुल एज वो डेटा शेयर करने में बहुत आराम से मदद करता है जैसे कि अभी आप लोग यूट्यूब पे कई वीडियोस देखते हैं तो वो एक तरह से इंटरनेट के अंदर एक यूट्यूब एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आपको डेटा रिसीव हो रहा है यूट्यूब भी इंटरनेट के अंडर आता है जो वेबसाइट आप यूज करते हैं वो सारी इंटरनेट के अंदर ही आती हैं फ्रेंड्स तो बेसिकली अगर डेटा शेयर करना हो तो इंटरनेट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू तो शेयर डेटा क्योंकि इससे अगर आप इंटरनेट पे कुछ अपलोड करेंगे डालेंगे इंटरनेट पे, तो वो, वो वर्ल्ड वाइड कोई भी एक्सेस कर सकता है जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन को आप और अच्छे से शेयर कर सकते हैं दिस वॉज द फर्स्ट थिंग फ्रेंड्स लेट्स नो द सेकंड अबाउट इंटरनेट फ्रेंड्स सेकंड थिंग इज अबाउट इंटरनेट इज अपार्ट फ्रॉम शेयरिंग डेटा वी कैन also रिसीव डेटा फ्रॉम मेनी पीपल अब मान लीजिए इसी को ऑपोजिट ले लीजिए आप डेटा शेयर करते हैं जिससे दूसरों को मदद मिल रही है और कोई और डेटा शेयर कर रहा है उससे आपको मदद मिल जाएगी गूगल का एग्जांपल ले लीजिए कोई किसी आदमी ने जरूर इंफॉर्मेशन डाली होगी अब वॉट इज हिस्ट्री आपको पता नहीं हिस्ट्री क्या है आप गूगल पर सर्च करेंगे हिस्ट्री का रिजल्ट आपको मिलेगा तो किसी ने तो इनपुट दिया होगा ना तो उसने जो नॉलेज शेयर करी उसकी वजह से सबको पता चल रहा है वॉट इज हिस्ट्री और वैसे ही आप भी कर सकते हैं आपने किसी टॉपिक पे कुछ लिख के इंटरनेट पे डाल दिया और सब लोग उससे उसका फायदा ले रहे हैं सबको उसके बारे में पता चल रहा है पॉइंट नंबर टू फ्रेंड लास्ट पॉइंट इंटरनेट का जो थर्ड यूज है थर्ड यूज इंटरनेट का ये है कि विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप एक दूसरे को समझ सकते हैं और ऑनलाइन फ्रेंड्स जो होते हैं जैसे कि ऑनलाइन मीटिंग अप जिसे कहा जाता है वो भी इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल है यानी सोशल कम्युनिकेशन में भी इंटरनेट बहुत अच्छा रोल प्ले करता है अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरनेट हर तरह की फील्ड में अब यूज होता है मेड बी मेडिकल साइंस बिजनेस इंजीनियरिंग एनी इन द वर्ल्ड इंटरनेट हर चीज के लिए अब फायदा दे रहा है लोगों को लोगों के उसमें आएगा कि इंटरनेट हम कैसे यूज करें यूजर्स पता चल गए कि क्या क्या किस किस चीज में काम आता है इंटरनेट हम लोग कैसे यूज करेंगे फ्रेंड्स वेरी सिंपल अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है मेथड कि आप इंटरनेट को यूज किस तरह से कर सकते हैं तीन चीजें फ्रेंड्स हम लोगों को इंटरनेट यूज करने के लिए चाहिए होती हैं फर्स्ट थिंग मॉडर्न सेकेंड थिंग टेलीफोन लाइन और थर्ड थिंग इंटरनेट कनेक्शन फ्रेंड्स हम लोग किसी भी टॉपिक को लेके बहुत डीप में नहीं जाएंगे नहीं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी बन जाएगी हम लोग अभी फिलहाल ऑल ओवर इंटरनेट को स्टडी कर रहे हैं इसलिए हम लोग ये जो टॉपिक्स डीप में जाएंगे वो हम लोग उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लाएंगे फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स पहले पता लगाते हैं हमारा नंबर वन चीज जो थी मॉडर्न वो क्या होती है फ्रेंड्स मॉडर्न जो होता है वो स्टैंड करता है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर फुल फॉर्म है इसकी और इसका काम होता है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना फ्रेंड्स मॉडर्न की फ़ोटो आप इधर देख सकते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मॉडर्न होता है इसके दो टाइप्स होते हैं इंटरनल मॉडर्म और एक्सटर्नल मॉडर्म इंटरनल मॉडम्स आप समझ जाएंगे कि ये कंप्यूटर के अंदर भी फिट होता है इंटरनल मॉडम जिस तरह आप ये वाली फोटो आप देख सकते हैं और एक्सटर्नल मॉडम फ्रेंड्स जो मैंने आपको पहले फोटो दिखाई थी यानी ये वाली ये होते हैं हमारे एक्सटर्नल मॉडम्स तो मॉडम हम लोगों को क्लियर हो गया अब हम लोग आते हैं अगले लोग सेकेंड थिंग है फ्रेंड्स टेलीफोन लाइन्स फ्रेंड्स टेलीफोन लाइन इज अ मीडियम टू कनेक्ट अस टू दी आई यानी कि के के फुल फॉर्म है है, ओके? इंटरनेट सर्विस ही हमें इंटरनेट करता है। और उससे होने के लिए उसकी लेने के लिए हमें चाहिए होती है टेलीफोन लाइन ओके फ्रेंड्स अब थर्ड थिंग इंटरनेट कनेक्शन इंटरनेट कनेक्शन जो है वो एक हम लोग परचेज करते हैं यानी कुछ फीस देकर इंटर आई एस को हम लोग इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं उससे फ्रेंड आप लोग कहेंगे आई होता कौन है फ्रेंड्स आई के एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं वोडाफोन जियो एयरटेल बी एस एन एल एट्सेट्रा यानी जिन जिन कंपनीज ने सिम्स बनाने बता बनाती हैं बी एस एन एल का सिम आता है और एयरटेल वोडाफोन जियो ये सारी कंपनीज हमारे आई एस पीज होते हैं फ्रेंड्स ओके अब फ्रेंड्स अगले टॉपिक की ओर मूव करते हैं फ्रेंड्स तो अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन के बारे में इंटरनेट कनेक्शन के फ्रेंड्स कुछ टाइप्स भी होते हैं अब मैं इन टाइप्स को के सिर्फ नाम बताने वाला हूं हम लोग बहुत डीप में नहीं जाएंगे फर्स्ट टाइप है डायलप कनेक्शन सेकेंड टाइप ब्रॉडबैंड कनेक्शन थर्ड टाइप केबल टीवी कनेक्शन फोर्थ टाइप सेटेलाइट कनेक्शन फिफ्थ टाइप डी एस एल सिक्स टाइप वायरलेस कनेक्शन एट टाइप मोबाइल इंटरनेट और लास्ट यानी टेंथ टाइप हॉटस्पॉट्स ओके फ्रेंड्स अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलर सर्विसेज ओवर द इंटरनेट यानी इंटरनेट पे अवेलेबल पॉपुलर सर्विसेज की अब हमें बात करनी है फ्रेंड्स पॉपुलर सर्विसेज जो इंटरनेट पे अवेलेबल है वो है वीडियो चैटिंग यानी कि वीडियो कॉल्स जो हम लोग करते हैं वीडियो कॉल्स एक ऐसी कॉल सर्विस है एक टाइप की ऐसी कॉल होती है जिसमें हम लोग फेस टू फेस बात कर सकते हैं यानी मोबाइल स्क्रीन पे हमें जिसको हमने कॉल करी है उसका फेस भी दिखता है प्लस उसकी वॉइस भी आती है तो फ्रेंड्स ये है फर्स्ट पॉपुलर सर्विस ऑफ इंटरनेट सेकेंड चैटिंग जो हम लोगों में से ज़्यादातर लोग करते हैं नेटवर्क पे फ्रेंड्स चैटिंग बेसिकली हम लोग एक तरह का कम्युनिकेशन है इंटरनेट कम्युनिकेशन जो होता है उसके भी कई टाइप्स होते हैं फ्रेंड्स इंटरनेट कम्युनिकेशन यानी टॉकिंग टू अनदर पर्सन ओवर द इंटरनेट अगर वीडियो कॉल के थ्रू बात कर रहे हैं तो ये होगी वीडियो चैटिंग अगर हम लोग टेक्स्ट के थ्रू बात कर रहे हैं यानी कि टेक्स्ट मैसेजिंग कर रहे हैं तो इसे कहेंगे टेक्स्ट चैटिंग तो ये जो फ्रेंड्स टेक्स चार्टिंग होती है इसके लिए भी आप कुछ ऐप्स आते हैं जिनमें से मोस्ट पॉपुलर ऐप जो है वो है हमारा व्हाट्स और थर्ड जो पॉपुलर सर्विस है इंटरनेट की वो है एंटरटेनमेंट इंटरनेट में यूट्यूब और और कई तरह की ऐसी सॉफ्टवेयर्स हैं यानी हमारे पास ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जो हमें फ्री एंटरटेनमेंट देती हैं विच मींस दैट इंटरनेट इज हैविंग मेनी फ्री एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स और फोर्थ पॉपुलर सर्विस इंटरनेट की है इंटरनेट फ्री कॉल्स जिसको हम लोग स्काइप और आई के थ्रू कर सकते हैं इंटरनेट फ्री कॉल्स यानी कि इट इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ऑडियो कम्युनिकेशन यानी हम लोगों को जिसको कॉल करिए उसकी आवाज़ सुनाई देती है वो दिखाई नहीं देता है उसकी आवाज़ सुनाई देती है जबकि वीडियो कॉल में दिखाई भी देता है और आवाज़ भी सुनाई देती है और टेक्स्ट मैसेजिंग में हम लोग टेक्स्ट को एक्सचेंज करते हैं यानी हम लोग उसको टेक्स्ट भेजेंगे जिससे हम लोग कॉल पे बात कर रहे हैं और जो कॉल पे हमसे बात कर रहे हैं वो हमें टेक्स्ट भेजेगा फ्रेंड्स फ्रेंड्स अब लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जो कि है नेटिकेट्स फ्रेंड्स नेटिकेट्स होते क्या हैं एटिकेट्स सबने सुने हैं नेटिकेट्स नया टर्म है ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा तो नेटवर्क वर्ड एक था फ्रेंड्स अगर आप लोगों को याद है वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था नेटवर्क यानी कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स और वो एटिकेट्स जैसे हम लोग टेबल एटिकेट्स फॉलो करते हैं जब हम लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं उसी तरह से एक होता है नेटवर्क के एटिकेट्स यानी जब आप लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ ऐसे एटिकेट्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं तो फ्रेंड्स अब पता लगाते हैं कि ये कौन से एटिकेट्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है इंटरनेट पे तो कुछ नेटिकेट्स फ्रेंड्स जो हम लोग फॉलो कर सकते हैं इंटरनेट पे वो है टू अवॉइड सा नेवर टू फीड ट्रॉल्स ट्रॉल्स वो लोग होते हैं जो इंटरनेट पे गलत कमेंट्स करते हैं जिससे दूसरों सैड हो जाते हैं इसको ले हम लोग पता लगा लेंगे कि वी शुड ऑलवेज इग्नोर ट्रॉल्स अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स जब भी हम लोग सोशल मीडिया को यूज करते हैं तो प्राइवेसी फीचर जरूर होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम दिस अननोन लोगों से कभी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए फर्स्ट गो थ्रू देयर प्रोफाइल उसके बाद डिसाइड करें कि क्या इससे फ्रेंडशिप करनी चाहिए या नहीं तो स्ट्रेंजर से कभी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें फ्रेंड्स इसके अलावा मैं आप लोगों को कहूँगा कि इंटरनेट को यूज करते हुए कुछ सेटिंग्स हैं ऐसी जिनको अगर आप लोग एक्टिवेट कर लें आपका कंप्यूटर वायरसेस से प्रोटेक्टेड रहेगा एंटी वायरस तो एक तरीका है इसके अलावा फ्रेंड सेटिंग्स में भी जाके कुछ ऐसी सेटिंग्स होती हैं जो सेफ ब्राउजिंग कराती हैं जिससे हमारा कंप्यूटर सिस्टम प्रोटेक्टेड रहता है वायरसेस से और ऐसी फाइल से जो कि कंप्यूटर में आके उसकी दूसरे डेटा को डिस्ट्रॉय करती हैं फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि स्क्रैच का पार्ट फोर लाया जाए तो येस अगली वीडियोस में स्क्रैच का पार्ट फोर आएगा अपार्ट फ्रॉम दिस और भी कई सेल्फ कंपोज पोम्स मैं बनाने वाला हूँ जिसको मैं बहुत जल्द डालूंगा एंड थैंक यू फॉर सिक्सटी सब्सक्राइबर्स एंड नाउ आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब मोर शेयर मोर लाइक मोर and tell everyone about dashing with so that we may cross 100 subscribers in just a month friends thank you for your support we will come soon again with mind-blowing videos and we'll keep on entertaining you thank you and bye